जातिवाद की राजनीति किसी का कल्याण नहीं करने वाली है। जातिवाद की राजनीति तो आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर किया ही। क्या किया उन्होंने? क्या किसी गरीब को आवास दिया? किसी गरीब के घर में शौचालय बनाया? किसी गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उपचार के लिए पैसा उपलब्ध करवाया? नहीं। और युवाओं के नौकरी में सेंध लग लगाते थे, टैबलेट और स्मार्टफोन के नाम पर गरीबों का शोषण करते थे। आज तो हम 20 लाख नौजवानों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और ये संख्या हम 2 करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार करने जा रही है। हर तबके के लोगों के लिए कुछ न कुछ नया कार्य। आज आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी भी प्रधानमंत्री आवास प्राप्त की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगा? कहा नहीं साहब, पैसा मेरे खाते में आ गया था। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए सीधे मकान बनाने के लिए, 12 से 15 हजार रुपए शौचालय बनाने के लिए, 90 दिन की मजदूरी, इस सभी मिलाकर के लगभग 1.5 लाख रुपए हरेक परिवार को उपलब्ध हो ही जाते हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है आज गोरखपुर विकास चारों ओर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए गोरखपुर का दर्शन आप कर रहे हैं।